नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं वो शायद ही आपको किसी और ने बताया होगा। देश के चार राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में हालात बहुत ख़राब हैं। लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं। व्हाट्सएप पर तरह तरह के बच्चा चोरी के वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या आपने सोचा आप व्हाट्सएप पर जो मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सही है या गलत, या कोई अफवाह तो नहीं? और कुछ इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं जिनमें बच्चा चोरी के शक में बेगुनाह लोगों को पीटा जा रहा है। तो ऐसा ना करें। गलत अफवाहों से कैसे बचे, संदिग्ध व्यक्ति को कैसे पहचाने और कहां से ये घटनाएं शुरू हुई, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मान लिया बच्चा चोरी के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो अफवाहें फैल रही हैं जिसके चलते दूसरे शहर में काम करने गए मजदूर, भीख मांगने वाले, बुजुर्ग और मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को बच्चा चोर समझकर लोग पीट रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। यदि आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, उसके पास आपको एक भी सबूत मिलता है बच्चा चोर होने का, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, ना कि खुद ही उसे घेर कर पीटना शुरू कर दे। अफवाह ना फैलाएं, पुलिस को भी सही सूचना दें। गलत सूचना देने पर आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। हाल ही में बच्चा चोर के आरोपों में उत्तर प्रदेश, बिहार सहित बाकी राज्यों में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बच्चा चोर गिरोह भी पकड़े जा रहे हैं। पुलिस को अपना काम करने दे और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है आप अपने बच्चों को समझाएं, बताएं, अनजान से बात ना करें, किसी के लालच में ना आए। स्कूल जाते वक्त घर से सीधा स्कूल जाएं, घर आते वक्त स्कूल से सीधा घर आए। यदि आपका बच्चा छोटा है तो आप खुद भी स्कूल छोड़ने जा सकते हैं। यदि गाड़ी से जाता है तो आप गाड़ी वाले से बोल सकते हैं कि बच्चे को स्कूल के गेट तक छोड़ने जाएं। ये तो हो गई कुछ जागरूकता वाली बातें। लेकिन उन अफवाहों का क्या जिनके कारण बेगुनाह लोग पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं? दरअसल ये अफवाहों का सिलसिला उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ जो बाकी राज्यों में भी फैल गई। ऐसा नहीं है कि बच्चे चोरी नहीं हो रहे हैं, बच्चे चोरी हो रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अफवाहें फैल रही हैं। इसी तरह की अफवाह उत्तराखंड से शुरू हुई जिसमें देखा जा सकता है कुछ लोग दो लोगों को घेर कर पीट रहे होते हैं, उनके कपड़े फाड़ रहे होते हैं। जो कोई भी आता है उन्हें बच्चा चोर समझकर पीट रहा होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बच्चा चोर नहीं है, वो तो मानसिक रूप से दो बीमार व्यक्ति हैं जिन्हें भीड़ ने बच्चा चोर समझकर पीट दिया है, जिसके बाद ये वीडियो वायरल होने लगती है। ये अफवाह तेज़ी से फैल जाती है। देखते ही देखते अलग अलग शहरों से बच्चा चोर की अफवाह के चलते मारपीट की घटनाओं की वीडियो आने लगती है। सबसे पहले इसी तरह की घटना आपको बताते हैं देवबंद की, जहां पर काम से लौटते हुए मजदूरों को बच्चा चोर समझकर भीड़ घेर लेती है। पहले तो उनसे सवाल जवाब करती है और फिर पीटने लगती है। भीड़ से ही एक शख्स शाहरुख नाम के मजदूर को गोली मार देता है। गोली मारने वाला शख्स और मजदूरों को घेरने वाली भीड़ सिर्फ और सिर्फ अफवाह का शिकार है। तो ऐसा कोई काम ना करे जिससे हिंसा फैले, अशांति फैले, माहौल ख़राब हो। इसी तरह मुजफ्फरनगर के खतौली में तीन लोग दावत खाने के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे। उन्होंने मछली खाने की इच्छा जताई, इसलिए वो मछली पकड़ने पास के ही तालाब पर चले जाते हैं। तीन लोगों को देखकर किसी ने बच्चा चोर कहकर शोर मचा दिया, जिसके बाद वहाँ पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया, पिटाई शुरू कर दी। बाद में पुलिस को बुलाया गया। पुलिस उन्हें पकड़कर चौकी ले गई। चौकी ले जाकर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि वो तो दावत खाने के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे और तालाब पर मछली पकड़ने गए हुए थे, तो बाद में पुलिस उन्हें छोड़ देती है। इसी तरह से हरदोई ज़िले में अनजान युवक को अपने गाँव के पास देख कर भीड़ ने घेर लिया, उसे हैडपम्प से बांध दिया। बाद में भीड़ उसे बच्चा चोर समझकर पीटना शुरू कर देती है। मुरादाबाद में भी दो लोगों को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने पीट दिया। इसी तरह से सीतापुर में एक बूढ़ी महिला को भीड़ बच्चा चोर समझकर पीट देती है। बाद में पता चलता है कि वह बूढ़ी महिला
मानसिक रोगी है और गांव में भीख मांग रही होती है। तो कुल मिलाकर बच्चा चोर की अफवाह के चलते मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को खुद भी समझना होगा कि वो इस तरह की अफवाहों से बचे, कोई गलत कदम न उठाएं, किसी निर्दोष को न पीटे, क्योंकि इस तरह की अफवाह से सिर्फ और सिर्फ अशांति फैलती है। तो खुद भी जागरूक बने और दूसरों को भी करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबा ले। धन्यवाद।